तो आपका क्या ख्याल है कि नजरियाती सियासत ख़त्म हो गई है या अभी बरकरार है? देखिए जी, नजरियाती सियासत की बात ही नहीं है, ये खित्ता ही कलमा तैयबा के नाम पर लिया गया था। ये नज़रिया नहीं है, ये हमारा ज़ाब्ता हयात है, ये हमारा कोड ऑफ लाइफ है। और इसकी दावत पर जब बात की जाती है तो मेरा वो मुल्क जिसके एक एक ट्रक और एक एक बस के पीछे लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अपनी जान भी कुर्बान है, तो ये ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पज़ीराई मेरे माशरे में रहेगी, है और मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका क्या ख्याल है सभा दीवान साहबा कि नज़रियाती सियासत अभी है, लोग आपको नज़रियाती बुनियाद पे वोट देंगे या वो देखेंगे कि जो जीत रहा है, जिसकी हुकूमत आ रही है, उसी को वोट देना? देखें हामिद मीर साहब, हमारा जो जिस पार्टी से मैं लड़ रही हूँ ना, वो एक नज़रिया है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो नज़रियाती इस लिहाज से है कि एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, इस पर चलते 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 आगे बढ़ गई। नहीं, ये खान साहब ने हमको एक विजन दे दिया हुआ है और खान साहब का काम अब ख़त्म है, अब ये हम लोगों का काम है उस विजन के मुताबिक अपने आप को ले कर चलें। तो मेरे ख्याल में तो मुझे नहीं लगता कि ये नज़रियाती इस लिहाज से कि किसी को हम किसी का पहले देखेंगे। हमारे फादर, मेरे अबू, मेरे वालिद साहब जो थे वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, मेरे हस्बैंड खुद पीपल्स पार्टी में थे। अपने हस्बैंड को मैं और मेरे बच्चे मोटिवेट करके तो इधर लेके आए थे पीटीआई में, और ये आई थिंक तकरीबन 2015 की बात है। और इमरान खान साहब हमारे घर आए थे तब फर्स्ट टाइम में जब मेरे हस्बैंड ने पार्टी ज्वाइन की। आपने और आपके बच्चों ने अपने जो दीवान मयूदीन साहब हैं उनको किस बुनियाद पे कहा कि पीपल्स पार्टी छोड़ के तो पीटीआई में आ जाओ? क्या चीज़ आपको पीटीआई की क्या चीज़ पसंद आई? पीटीआई की चीज़ आप इमरान खान का नज़रिया पसंद आया हमें। इमरान खान की जो बातें हैं वो लोगों के दिलों में घर कर गई, मेरे बच्चों के दिलों में घर कर गई। इमरान खान, तब मेरे हस्बैंड जो थे असम्बली के मेंबर थे आज़ाद कश्मीर असम्बली के, अभी भी हैं, तो इनको तब वो भी थे पीएम के एडवाइज़र, वो भी थे। तो मेरे बच्चों ने खसूसन अपने बाप से यानी इस बात से मोट उनको किया कि आपके लिए ये जिस पार्टी में आप जा रहे हैं वो सियासत देखें। और मेरे हस्बैंड जब पीटीआई में, आप जब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो इनका कंबाइन है ना इकट्ठा, अभी उनका मिलके लड़े हैं वो, इनका जो आपस में कंबाइन है ना, वो मेरे बच्चे मेरे और मेरे हस्बैंड कहते थे जब आई थिंक 2018 में या 15 में इलेक्शन जो हुआ ना आज़ाद कश्मीर का, 5 साल हामिद मीर साहब इस सीट का इलेक्शन नहीं हुआ, 5 साल ये सीट खाली रही असम्बली में। जब भी वो आज़ाद कश्मीर से वो कहते थे कि ये इलेक्शन करवाई सीट पे, तो यहाँ से कहते थे जी लॉ एंड ऑर्डर की ना वो हालतें सही, वो सूरत हाल ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा खोकर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है जी सर कि ये क्या बात दुरुस्त है कि ये अब सिर्फ पावर पॉलिटिक्स होती है, नज़रिए की सियासत ख़त्म हो गई है? सर मेरे ख्याल में देखें, आजकल तो बड़ों के दूर की बात, आजकल तो जो बच्चे हैं ना वो भी आपसे सवाल करते हैं, टाइम हैज़ चेंज्ड। आजकल तो बाहर का एहतसाब बाद में होता है, आपके अपने घर में ही जो बच्चे हैं ना वो स्कूल्स में जाते हैं, सबसे पहले तो वही आपके एहतसाब कर लेते हैं। तो पावर पॉलिटिक्स से ज़्यादा तो मेरे ख्याल में आप इस टाइम नज़रिए की पॉलिटिक्स हो रही है, इस टाइम घर घर की पॉलिटिक्स हो रही है। आपका बच्चे ही आप घर से निकले हैं तो आप वो आपकी एक्टिविटी देखते हैं, सबसे पहले वही पूछ लेते हैं बाबा वाई नवाज शरीफ, तो यू हैव टू एक्सप्लेन हिम, यू कैन नॉट जस्ट कह के नहीं बेटा लकीर के फ़कीर हैं। दे वॉन्ट आंसर्स, जैसे पब्लिक आंसर मांगती है, आजकल तो बच्चा भी आंसर्स मांगता है और उनको बताना पड़ता है, उनको शौर करना पड़ता है। हर किसी की मैडम सभा हैं, अलीजान साहब हैं, आप सब हैं, इनका अपना अपना नज़रिया, अपनी अपनी जमात है, लेकिन पब्लिक डिसाइड करती है। और मेरे ख्याल में पावर पॉलिटिक्स किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में होता होगा, लेकिन एज़ फार एज़ लाहौर इज़ कंसर्न, लाहौर में कोई इस टाइम बरादरीज़म भी नहीं है मेरी नज़र में, पावर पॉलिटिक्स भी नहीं है। इस टाइम जमातों के वोट हैं, इस टाइम वर्किंग के वोट है, परफॉर्मेंस के वोट हैं। लाहौर में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस टाइम वैरी करती हैं। इस टाइम तो अब एक जमात, जिसको कहें ना कि पहले तो सुनते थे ना फलानी जमात रे खंबे को भी टिकट जीतेगा, अब वो सियासत नहीं रहेगी। 2024 में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे, आप देखेंगे कि जिसने अपना हल्का संभाला, जो 5 साल लोगों के बीच में रहा, पावर पॉलिटिक्स तो तब बना जब लोग दबका लगाया, लोग चुप हो गए। आप कौन से लोग, आप कौन सा जमाना है, आप तो उनको पता है कि हमने 5 साल बाद तो आप ये एडमिट करते हैं कि 8 फरवरी को लोग डर और खौफ के तमाम जो रुकावटें हैं उनको तोड़ के
वोट डालेंगे और अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। एब्सोल्युटली मैं ये बात को अग्री करता हूँ कि ये जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है ना, आप बैलेट बॉक्स के बाहर तक जो मर्जी उनसे मर्जियाँ करवाएं, जब बैलेट बॉक्स के अंदर वोट डलता है ना तो उनकी मर्जी चलती है, वो अपना गुस्सा 5 साल का निकालता है, वो अपने हलके का निकाले, अपने उम्मीदवार का निकाले, अपने लीडर का निकाले, वो आप बक्से को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, मैटर्स हमारे ये, मैं यहाँ थोड़ी सी बात कहूँगी मीर साहब, ये जो ये कह रहे हैं ना बक्से को चेंज नहीं कर सकते, दीवान साहब का इलेक्शन आई थिंक 14 में था, जो दीवान साहब ने जब हम सुबह पहुँचे ना पोलिंग स्टेशन पे, 700 वोट बक्से के अंदर मौजूद था और 800 की सीरियल शुरू हो रही थी। तो मेरी जो बच्ची जो हमने वहाँ बिठाई हुई थी उसने हमें फ़ोन किया कि जल्दी यहाँ पे आएँ, ये तो कहते हैं कि वोटिंग हो गई है, तो मैं तो 7:30 बजे यहाँ आई हूँ, तो ये 700 वोट तो बैलेट बॉक्स में मौजूद है। बात है ना, अब तो ऐसे नहीं होगा। मगर मैं आपको एक और नहीं, अब देखें हमें निकलने की इजाज़त नहीं है, कैसे लोगों के पास मैं जाऊँ, क्या कैसे मांगूँ लोगों से वोट। कल थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है, सुबह 4 बजे मेरे वालिद साहब को घर से उठा लिया। मेरे वालिद साहब 80 साल के बुजुर्ग हैं, आप ये सोचें कि जब ठठरती सर्दी में उस बुजुर्ग को खानी में 40 बंदों ने रेड की मेरे वालिद साहब के घर पे, और दीवारें फांद के उनके घर के अंदर गए हैं, और जो भी मोबाइल्स बच्चों के मेरी भाभियों के हाथों से छीन के मोबाइल्स, ये क्या है? अच्छा, क्या आप इसको क्या कहते अच्छा हैं? ये जो किताब आपके सामने पड़ी है रूल बाई फियर है जी, ये किताब जो है ये शाया हुई थी रूल बाई फियर 2021 में शाया हुई थी, ठीक है ना, 2021 में हुकूमत थी इमरान खान साहब की, तो आपने ये रूल बाई फियर लिखी थी, तो जो जो अब सभा दीवान साहबा जो कह रही हैं सूरत हाल वही है या कोई चेंज आई है? मैं तो आपके साथ इजहार यकजहती करता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे सूरत हाल है, हमारे हल्के में भी हुआ, अभी भी वो तो थाने में ही है, अभी भी वो घर नहीं आए। ये टोटल अनएक्सेप्टेबल है, ये बुजुर्गों के साथ हो रहा है, औरतों के साथ हो रहा है, हमारे हल्के में हो रहा है, PP 160 में हुआ है, PTI के हमारे दोस्तों के साथ, और ये एक साइकिल है जिसको हमें तोड़ना पड़ेगा। जो ये किताब लिखी गई थी उस वक्त लिखी गई थी जब PTI दौर में भी लोगों को पकड़ा जा रहा था, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला गया, सेडिशन का आप पे बगावत का मुकदमा भी PTI के दौर में बना, बिल्कुल बना, आपको नौकरी से भी PTI के दौर में निकाला गया। लेकिन देखें अल्हम्दुलिल्लाह जब PTI पे मुश्किल वक्त आया 9 मई के बाद, जो पहला इवेंट हुआ मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ वो हमने लाहौर हाई कोर्ट में करवाया, जिसमें कुर्द साहब को भी लेकर आए, और हमने कहा ज्यादती जो हो, हमारा मसला PTI नहीं है, नून लीग नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, मसला लड़ाई जुल्म से लड़ाई है, जो भी जालिम होगा उसके खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे। इसी तरह जब एक हमने ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस की, जब खदीजा शाह वगैरह पकड़े गए थे उनके लिए सितंबर में, तो मुश्किल हालात में हम बोले हैं। ये एक पूरा एक हिस्ट्री है कॉलोनियल टाइम्स से कि हमारे जो कुछ इदारे हैं उनका ख्याल है कि आपने अगर लोगों को कंट्रोल करना है तो वो किसी कोई आइडियोलॉजी के जरिए ना करें, सीधा सीधा खौफ के जरिए करें, खौफ के जरिए आप हुकूमत कायम करें।